दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 3 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान से कुछ बेसिक और मोर कॉन्सेप्ट जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं अपने चैनल पांडे गुरुजी पर पहले ही पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो उस वीडियो को आप अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट GS and GK पे जाके क्लिक करके आप पार्ट बाय वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे एग्जामिनेशन हो या SSC एग्जामिनेशन हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे आप भाग लेने जा रहे हो, तो आप क्वेश्चन को इजीली से सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट लेके पॉइंट बाय पॉइंट नोट डाउन करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को इस वीडियो को देखने से पहले ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 वीडियो, जो कि जो सबसे पहला है वो है सीमेंट। तो सीमेंट के बारे में GS and GK में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सीमेंट का आविष्कारक कौन है, सीमेंट को किसने खोजा है। तो आविष्कारक है वो है जोसेफ आस्पिडिन। मैं आपको केमिस्ट्री के साथ आपको कुछ इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ यहाँ पे कि किसने उसको खोज किया है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस टाइप के भी क्वेश्चन हमेशा रेलवे में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले है पोर्टलैंड सीमेंट। इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया क्योंकि यह पोर्टलैंड में पाए जाने वाले चूना पत्थर के समान दिखता था। सीमेंट एक यौगिक नहीं है बल्कि अनेक पदार्थों का मिश्रण है। सीमेंट मुख्यतः CA के ऑक्सीलेटों तथा एल्युमिनियम के मिश्रण है। तो सीमेंट के प्रमुख संघटक कौन है, तो CaO जो 61-65% रहता है। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सीमेंट में CaO का परसेंटेज कितना होता है। उसके बाद है SiO2 जो 20-25% है, Fe2O3 जो 2% है, क्षारीय ऑक्साइड 3% है और MgO 2.5% है, SO3 1% है और Al2O3 7.5% है। तो दोस्तों आप टाइम निकाल के 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो में छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहे हो क्योंकि आप पढ़ने के साथ एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ प्रैक्टिस से सॉल्व करने के साथ आप इस वीडियो को भी देखें तो आपको बहुत कुछ ये आ जाएगा और आप क्वेश्चन को इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। तो सीमेंट उत्पादक में राज्यों में जो सबसे पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पे आप सीमेंट को साउथ इंडिया के नाम से जान सकते हैं कि आंध्र प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, तो सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। आगे बात करते हैं कांच। कांच एक यौगिक नहीं है, कांच ये क्वेश्चन आ सकता है कि कांच एक यौगिक नहीं है, ट्रू एंड फॉल्स। तो आपको क्या करना है, ट्रू है, ये आ सकता है कांच एक यौगिक है तो आपको क्या मार्क करना है, फॉल्स। क्योंकि CBT एग्जामिनेशन होगा रेलवे का, तो आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, तो इसमें ट्रू फॉल्स की क्वेश्चन भी बहुत आने की संभावना है। उसके बाद है कांच धात्विक सिलिकेट, क्षार धातु के सिलिकेट था, सिलिके का मिश्रण है। कांच का संगठन निश्चित नहीं है, इसलिए इसे किसी एक सूत्र से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। कांच का समान सूत्र है वो Xr2O YmO6SiO2, जहां R क्षार धातु है और M द्विसंत्रीय धातु है, X और Y अणुओं की संख्या है। तो साधारण कांच Na2O.CaO2 CaO.6SiO2 है, तो इसका ये फॉर्मूला है। उसके बाद देखते हैं इस्पात, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टील अंग्रेजी शब्द में। इस्पात लोहे तथा कार्बन का मिश्र धातु है। इस्पात क्या है, लोहे तथा कार्बन का एक मिश्रण है। इसमें 98-99.7% लोहा तथा 0.25-2% तक क्या होता है, कार्बन होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये SSC के एग्जामिनेशन में आ चुका है कि स्टील में लोहे का परसेंटेज कितना होता है। इस्पात इज इक्वल टू लोहा प्लस कार्बन, जो 98.99% और 0.25% क्या हो गया, कार्बन।
तो यहाँ पे कुछ देखते हैं लोहे के प्रकार, जो पिटवा लोहा होता है और ढलवा लोहा होता है, जिसको मिलेवल आयरन का बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कास्ट आयरन। ये हमेशा शुद्ध लोहा होता है, ये अशुद्ध लोहा आता है। इसमें अशुद्धियाँ नहीं पाई जाती है, इसमें अशुद्धियाँ पाई जाती है। अशुद्धियाँ क्या होता है? CnS की अशुद्धियाँ, अम्लीय अशुद्धियाँ, क्षारीय अशुद्धियाँ। अशुद्धियों का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण O2 द्वारा और हेमेटाइट Fe2O33 द्वारा होता है। ये होते हैं सफ़ेद रंग का होता है, ये धूसर रंग का होता है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि पिटवा लोहा या मिलेबल आयरन क्या होता है, शुद्ध होता है या अशुद्ध होता है। और देखते हैं कुछ प्रमुख कार्बनिक अम्ल है जो मैं यहाँ पे कुछ दिया हूँ। कभी कभी ये GS में और GK में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो अम्ल का नाम यहाँ पे जो स्ट्रिक अम्ल जो कहाँ पे प्राप्त होता है, नींबू और संतरा में होता है। टार्टरिक अम्ल जो इमली से प्राप्त होता है। लेप्टिल अम्ल जो दूध और दही से प्राप्त होता है। ऑक्सीजन अम्ल जो टमाटर में पाया जाता है। ग्लाइकोज अम्ल जो गन्ने का रस में पाया जाता है। एसिडिटिक अम्ल जो सिरका में पाया जाता है। मौलिक अम्ल जो सेब में पाया जाता है। तो ये बेसिक है, आप इसको हमेशा याद रखें क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल पांडे गुरु जी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और मैं डेली यहां पे रेलवे एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़ आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।